भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में हम सबके लिए गर्व की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के परिवार में कई शख्सियत राजनीतिक क्षेत्र से लेकर के सामाजिक क्षेत्र तक माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो विश्वास व्यक्त हो रहा है, आज उसी कड़ी में देश के कांग्रेस के एक ऐसे वरिष्ठ नेता जिन्हें हम लोग मध्य प्रदेश के अंदर कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी में माननीय कैलाश जोशी जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, उन्हें मध्य प्रदेश की राजनीति का संत कहा जाता था। कांग्रेस में अगर ये कहा जाए, ये पदवी किसी को मिली है कि कांग्रेस की राजनीति में राजनीति के संत के तौर पर जिनकी पहचान नहीं है, आदरणीय सुरेश पचौरी जी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, ये हम सबके लिए गर्व की बात है। वो पीएमओ के अंदर दो प्रधानमंत्रियों के साथ जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने देश के अंदर रक्षा मंत्रालय स्वतंत्र प्रभार के तौर पर संभाला है, और जो कांग्रेस के अंदर एक बड़ा हिस्सा होता है जिसे सेवा दल के नाम से कहा जाता है, जिसके कांग्रेस के नियमों कानून के अंतर्गत उनमें कांग्रेस का जो अध्यक्ष होता है वही उसका अध्यक्ष होता है, शायद मैं ठीक कह रहा हूँ। लेकिन सुरेश पचौरी जी एक ऐसे नेता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष न रहते हुए भी सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने भूमिका निभाई है। तो आज भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के परिवार में, देश के परिवार में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में आज सुरेश पचौरी जी भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। मैं हृदय से उन्हें बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। और आदरणीय भाई साहब, आपके आने से ये तो परिवार अपना है ही, आपका स्नेह हम सब लोगों को पहले भी मिलता रहा है, क्योंकि आपकी भूमिका भी इस प्रकार की रही है, इसलिए मैं तहे दिल से स्वागत करता ही हूँ। भारतीय जनता पार्टी के परिवार को आपके आने से और बड़ी ताकत मिलेगी, और वैचारिक दृष्टि से भी, और आपके जो अनुभव और आपने जो काम गवर्नेंस में किया है, उन सब चीजों का अनुभव मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। आज श्री गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी जी हमारे धार जिले के सांसद रहे, जनजाति क्षेत्र के बड़े नेता हैं, आज उनका भी मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार में बहुत हृदय से स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हमारे इंदौर के संजय शुक्ला जी पूर्व विधायक, आज उनका भी बहुत भारतीय जनता पार्टी में बहुत हृदय से स्वागत है। संजय जी इंतजार बहुत दिनों से चल रहा था, लेकिन आज आदरणीय सुरेश जी भाई साहब के साथ आपका भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में स्वागत है। श्री विशाल पटेल जी हमारे पूर्व विधायक, उनका भी मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार में हृदय से स्वागत करता हूं। आलोक चंसोर अर्जुन पलिया जी एक्स एमएलए हमारे नर्मदापुर जिले के, वहां के भी बहुत सीनियर और वरिष्ठ नेता हैं, आज उनका भी भारतीय जनता पार्टी के परिवार में स्वागत है। आलोक चंसोरिया जी नेता भी है और शिक्षा मंत्री भी है, और जबलपुर के अंदर मैं छात्र राजनीति में लंबे समय तक रहा, तो मुझे छात्र राजनीति में उस समय भी आलोक जी का बड़ा स्नेह भी मिला है, और आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। जबलपुर के हमारे वरिष्ठ नेता हैं, लोकसभा का चुनाव लड़े 1998 के अंदर। आदरणीय कैलाश मिश्रा जी कांग्रेस के मध्य भोपाल के एक्स प्रेसिडेंट, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, वो भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं। श्री सतपाल पलिया जी अपने नर्मदापुर सुहागपुर के एक्स वाइस प्रेसिडेंट कांग्रेस के वहां रहे हैं। श्री योगेश शर्मा चुन्नू भैया जिनको कहते हैं, छात्र राजनीति के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र से आते हैं, और छात्र राजनीति में उन्होंने विक्रम यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे हैं, तो योगेश भाई का भी बहुत स्वागत है। अतुल शर्मा जी एमपी के एनएसआई के प्रेसिडेंट रहे हैं, उनका भी आज स्वागत है। दिनेश झिमोले जी जनपद मेंबर है गाडरबारा के, उनका भी स्वागत है। श्री सुभाष यादव जी वर्किंग प्रेसिडेंट ब्लॉक कांग्रेस दौलतगंज उज्जैन में, उनका भी बहुत स्वागत है। आदित्य पलिया जी, बने सिंह जामरा जी और राजेश आगाल जी, सबका आज भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी
आदरणीय महेंद्र सिंह जी भाई साहब यहाँ पर उपस्थित है और नरोत्तम मिश्रा जी इस काम में जुटे हैं पहले दिन से, क्योंकि अपने ज्वाइनिंग के वो इंचार्ज हैं। संजय पाठक जी हमारे को इंचार्ज हैं। तो आज हम सबका सौभाग्य है कि इतना बड़े संख्या में और बड़ी शख्सियत आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की संस्था ग्रहण की है। मैं आप सबको बधाई और शुभकामना देते हुए ये बात अवश्य कहता हूँ कि जरूर आपको लगेगा कि हम अपने परिवार में सम्मिलित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना एक परिवार है। मैं पुनः एक बार सबका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि सबका मार्गदर्शन करें आदरणीय मोहन यादव जी। आज का दिन वास्तव में एक नया इतिहास बनने जा रहा है। आपको ध्यान में होगा तो वैसे तो हम सबको आहट थी सही और ध्यान भी आ रहा था कि जहाँ जहाँ राहुल गांधी जाते हैं वहाँ वहाँ उनके बचे कुछ जो काम करने के तरीके हैं उसका असर आते ही आता है और अच्छे स्थापित सुचिता के साथ सुस्पष्ट मन की भावना के आधार पर हर दल में अच्छे साफ सुथरे लोग होते हैं, लेकिन साफ सुथरे लोगों को काम करने की अनुकूलता देना नेतृत्व की महत्ता पर निर्भर करता है कि उसका नेतृत्व महत्व कैसे देता है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस का नेतृत्व ऐसे सुचिता वाले साफ सुथरे ढंग से देश सेवा को लेकर राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को नजरअंदाज करता है और कोई भी स्वाभिमानी आदमी ऐसे वातावरण में क्यों काम करना चाहेगा। लोकतंत्र तो गौरवान्वित इसीलिए होता है, लोकतंत्र आम जनता की पार्टी बनकर के जनता के बीच में जनता का एक चेहरा दिखता है। और मुझे बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस लगातार और ये जो उनकी खास करके राहुल गांधी जी का समय चल रहा कहने के लिए वो अपनी यात्रा निकाल रहे, लेकिन वो अपने यात्रा के माध्यम से ऐसे स्थापित नेतृत्व को अपनी पार्टी के लोगों को जिस ढंग से जिस निगाह से देखते हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में माननीय नड्डा जी हमारे दल को भी और दल के साथ नेतृत्व में आने के लिए ऐसे सुचिता और साफ सुथरे लोगों के लिए हमारी अपनी भारतीय जनता पार्टी सबका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है कि आओ हमारे साथ, क्योंकि लोकतंत्र ये है सबके साथ मिलकर चलने की हमारी एक संकल्प की भावना है। और ऐसे में ऐसे अच्छे लोगों का साथ जोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना मार्ग चुना है यही कारण है कि दुनिया की सबसे बड़ी अगर कोई पार्टी बनी है तो भारतीय जनता पार्टी बनी। मैं यशस्वी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी को बधाई दूंगा, हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, हमारे माननीय नरोत्तम मिश्रा जी, कैलाश जी विजयोगी भाई साहब, सारे लोग, हमारे महेंद्र सिंह जी प्रभारी, वो तो शुभंकर है, लगातार हमारे के बाद एक संकेत आ रहे हैं और राहुल गांधी आगे आगे जा रहा है और पीछे पीछे कांग्रेस साफ हो रही है। इसलिए मैं तो इस मामले में बधाई देना चाहूंगा कि ऐसे राहुल गांधी जी दो चार बार और यात्रा निकालो, हम आपका स्वागत करेंगे, क्योंकि आपके आने से अगर हमारे लिए एक ऐसा मार्ग बनता है कि चुनाव का अभी घोषणा हुई नहीं है और कांग्रेस की आपने जो वर्तमान में हालत की है, वास्तव में कांग्रेस, महात्मा गांधी जी ने सही कहा था कि आजादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर दो, वो महात्मा गांधी की भावना का काम कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से अपने परिवार में हमारे माननीय सुरेश जी भाई साहब बहुत वरिष्ठ नेता है, बहुत अच्छी छवि है और उनके साथ के सारे गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी जी, विक्रम विश्वविद्यालय का हमारा पूरा कैंपस एक ही होता था तो धार से हमारा संबंध आता था, योगेश शर्मा जी मैं और वो 1984 में साथ में कॉलेज में चुनाव लड़े थे और यूनिवर्सिटी वो प्रेसिडेंट बने थे, मैं साइंस कॉलेज प्रेसिडेंट था, मैं तब से उनको जानता हूँ और पूरी अपनी यहाँ से वहाँ तक सारे के सारे मित्रगण, तो हमारे पटेल साहब, संजय जी, विशाल पटेल जी, संजय जी, कौन किसका नाम छोड़े, संजय हम तो आए थे, संजय जी आप तो अपने घर के घर में ही रहे बीच में, लेकिन कोई बात नहीं, ये अच्छी बात है, माननीय सुरेश जी भाई साहब के निमित्त आना चाहिए। हमारा तो शिवाय नमा विष्णुवे नमा, शिवाय नमा विष्णुवे नमा, ये मंत्र चलता ही रहता है इसी का तो हम सब सौभाग्यशाली हैं। मेरी अपनी ओर से परिवार में आने का आपका सबका वंदन अभिनंदन और भारतीय जनता पार्टी सबको लेके चलने में विश्वास करती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, बहुत बहुत धन्यवाद। अमित बोल, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह, आदरणीय अध्यक्ष जी,
आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री गतिशील और कल्पक मुख्यमंत्री मोहन जी, आदरणीय महेंद्र सिंह जी, कैलाश जी, नरोत्तम जी, संजय जी, मित्रों, आज की घटना मध्य प्रदेश की राजनीति की असाधारण घटना है। श्री सुरेश पचौरी जी को मैं बचपन से जानता हूं। तब जब मैं 11वीं में पढ़ता था और विद्यार्थी परिषद का काम करता था, और वो छात्र नेता थे, वरिष्ठ छात्र नेता थे, एमएससीडी के कैंपस से वो राजनीति चलाते थे छात्रों की। अलग अलग दलों में थे, अलग अलग विचारधारा थी उस समय, लेकिन जो शालीनता, शिष्टता और जो संस्कार मैंने उनमें देखे, मैं बरसों से उसका कायल रहा हूं। मुझे तो लगता है बड़ी देर भई नंदलाना। कांग्रेस सही जगह थी, दो दो प्रधानमंत्रियों के साथ वो मंत्री रहे, और एक दाग श्री सुरेश पचौरी जी के दामन पर कभी नहीं लगा। 6 बार राज्यसभा के सदस्य, चार बार कम थोड़ी हो, 24 साल, 6 चौके 24। सचमुच में जिन जिन पदों पर उन्होंने काम किया, अपनी एक अलग छाप छोड़ी। ये मोहन जी ने बिल्कुल सही कहा, ये दुर्भाग्य कांग्रेस का, एक ऐसा नेता नेतृत्व कर रहे हैं जिनकी दिशा ही तय नहीं है कहां जाएगा। और आपने बिल्कुल सही कहा मुख्यमंत्री जी, अभी खड़गे जी आए थे तो चिड़ गए, कहने के वो शिवराज कहता है कि हम महात्मा गांधी के सपने को सच कर रहे हैं और कांग्रेस को खत्म कर रहे हैं। अब सही तो है, इसमें गलत क्या है? अब आप श्री सुरेश पचौरी जी जैसे नेता का कांग्रेस पर सम्मान नहीं कर पाए, नहीं रख पाए, तो कांग्रेस खत्म होगी, बचेगी कहां से कांग्रेस? मैं पचौरी जी का हृदय से भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। उनके आने से एक संस्कारित, एक शिष्ट, एक शालीन, एक ऐसी बेधा का धनी जिसने ईमानदारी पूर्वक जिंदगी भर राजनीति की है, उनका स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, देव सचमुच में अद्भुत समय है ये, आजादी का अमृतकाल, विकसित भारत का संकल्प। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के हाथों से हमारी आंखों के सामने पूरा होना है, और मोदी जी के पीछे आज सारा हिंदुस्तान खड़ा है। आप देख रहे हैं, अगर ये मूलधन्य नेता बीजेपी में आ रहे हैं तो मोदी जी के नेतृत्व से प्रभावित होके, क्योंकि भारत के विश्व गुरु बनने का समय अब आ गया है, और उसमें हम सब योगदान करना चाहते हैं। पचौरी जी का अंतर्मन से, अंतरात्मा से, हृदय से मैं स्वागत करता हूं। वो तो मेरे सीनियर हैं, मैं जूनियर था उनका, अब साथ काम करने का उनके साथ मौका मिलेगा। उनके साथ गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी जी, भाई संजय जी, हमारे विशाल जी, अब संजय और विशाल कहाँ पड़े थे, थोड़ी था, लेकिन अब देर आयत दुरुस्त आयत, घर वापसी है। हाँ, घर वापसी। कैलाश मिश्रा जी हमारे मित्र, वैसे भी हमारे समधी हैं गुड्डू भैया के रिश्ते से, और हमारे पदिया जी, और पूरी टीम जो यहाँ आई है, चंदसौरिया जी, आलोक जी, मैं सबका हृदय से स्वागत करता हूँ। और पांडा भी जसपाल जी, आज मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ। मैं तो रुक ही इसलिए क्या पचौरी जी नहीं, आप ये पहले उनका हृदय से एक बार फिर स्वागत, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरी टीम को, बधाई, शुभकामनाएं मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के नेतृत्व में, और यहाँ भी मुझे कहते हुए गर्व है
कि भारतीय जनता पार्टी का सुगठित संगठन है, हमारे अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में और हमारे मुख्यमंत्री जो मुझसे बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, पूत के पांव पालने में ही दिखाई देते हैं, भाई मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम सब लोग, और प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन है सचमुच में तो एक अद्भुत नेतृत्व भारत को मिला हुआ है, हम सब और बेहतर काम करेंगे। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अब आज के कार्यक्रम के केंद्र बिंदु हम सबके चर पे चले, आदरणीय गजन भाई दो मिनट आप देखिए, आदरणीय गजन सिंह जी राजू खेड़ी जी से श्रद्धेय हमारे अध्यक्ष बीडी शर्मा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बड़े भाई शिवराज जी, तो मेरे राजनीतिक गुरु मार्गदर्शक श्रद्धेय पचौरी जी, हमारे तो विधायक टाइम्स भैया के संरक्षण में चला हूँ, कैलाश सुजयवर्गी जी, हमारे नरोत्तम मिश्रा जी, महेंद्र सिंह जी प्रभारी हमारे, और संजय भाई, संजय पाठक जी, संजय भाई, विशाल पटेल जी, सभी आज जो आने का मुख्य मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेता और हमारा प्रदेश नेता शायद सुमेर सिंह को सोलंकी जी को कॉलेज से इस्तीफा दिलवा के सीधा राज्यसभा अनुसैया उइके जी आज राज्यपाल। पचौरी भैया बताते थे कि कांग्रेस की तरफ से तो आज तक राज्यसभा में एक सदस्य गए ही नहीं, एक भी आदिवासी नेतृत्व को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हमारी पार्टी ने बनाई है, वोट आदिवासियों का और मलाई कोई और खा जाए ये चलने वाला नहीं है, और हमारे शीर्ष नेता और प्रदेश नेतृत्व का नीतियों को देख के आज हम सब भाजपा में शामिल हो गए। मैं पहले विधायक भी था भाजपा से, में कैलाश जी ने टिकट दिलवाया था मेरे को, विक्रम जी ने दिलवाया था, प्यारे लाल जी थे, पूरी टीम थे, जब से मैं था तो आज फिर घर वापसी हुई। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और हृदय से आभार करता हूँ कि जो इसने अपनत्व दिया और आपके मार्गदर्शन में सदैव मैं पार्टी के हित में काम करता रहूं। माननीय सुरेश पचौरी जी से निवेदन करता हूँ, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जावान अध्यक्ष परम आदरणीय बीडी शर्मा जी, प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, प्रदेश के जनप्रिय नेता पूर्व मुख्यमंत्री मेरे भाई आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब, आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन साहब, परम आदरणीय कैलाश विजयवर्गी साहब, जिनसे हमें मंत्र सीखना है कि जो भी चुनाव लड़े तो जीता कैसे जाता, आदरणीय महेंद्र सिंह साहब जो इंचार्ज है, मेरे छोटे भाई संजय पाठक जी, राजू खेड़ू जी, और मेरे स्वर मिलाते हुए, मेरे कदम के साथ कदम मिलाते हुए जो मेरे बहुत महत्वपूर्ण साथी आज यहाँ
कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं वो सभी मेरे लिए बहुत मूल्यवान साथियों, सम्मानित पत्रकार साथियों, देवी और सज्जन। सबसे पहले मैं महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप सबको बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज का बड़ा पावन दिन है और मुहूर्त भी बड़ा उत्तम है। मैंने जब राजनीति में प्रवेश किया था तो मेरा ध्येय था समाज सेवा और राष्ट्र सेवा का। परतंत्रता की बेड़ियों से जब मुक्त हुआ हमारा भारत तो आजाद भारत में कांग्रेस की ये परंपरा रही कि हम कास्टलेस एक सोसाइटी, क्लासलेस सोसाइटी को स्थापित करेंगे। एक नारा भी लगा था, न जात पर न पात पर। आज वो नारा दरकिनार हो गया है। हम जाति के आधार पर बात कर रहे हैं, उद्बोधन दे रहे हैं। उससे वर्ग संघर्ष बढ़ रहा है, जाति संघर्ष बढ़ रहा है। अभी पिछले दिनों में जो कुछ राजनीतिक निर्णय हो रहे हैं कांग्रेस में, जो धार्मिक निर्णय हो रहे हैं, वो बड़े असहज करने वाले हो रहे हैं। आप कहेंगे एक दो का उल्लेख करिए, मैं डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्टर रहा हूं, कभी भी सेना के शौर्य पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया जाता, सबूत की बात नहीं कही जाती। जहां तक धार्मिक निर्णयों का प्रश्न है, मैं केवल एक बात कहूंगा, भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जब आयोजन रहा तो उसके निमंत्रण पत्र पर एक अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना, ठुकरा दिया निमंत्रण, ठुकरा दिया। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, मुझे आघात इसलिए पहुंचा, मुझे यहां हमारे सम्मानित नेता जो अयोध्या में भगवान श्री राम जी का मंदिर बने इस बात के पक्षधर रहे हैं और मैं भी इसका पक्षधर शुरू से। मेरे पास दस्तावेजी सबूत है, आपको दूंगा। अयोध्या में भगवान श्री राम जी के मंदिर का ताला खुलना, शिलान्यास होना, ये किस कार्यकाल में हुआ? बोला जा सकता था, फिर निमंत्रण पत्र को अस्वीकार करने की आवश्यकता क्या? और मैं साक्षी इसलिए रहा हूं कि मैं द्विपीठाधीश्वर ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती का दीक्षित शिष्य हूं। मुझे तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने भेजा कि शंकराचार्य जी से पूछ के आओ क्या करना है। मैं आया, पत्र लाया हूं तत्कालीन प्रधानमंत्री का, तो उन्होंने कहा अयोध्या में शिलान्यास हो और तत्पश्चात मंदिर बने। एक नोट भेजा, सितंबर 1989, 12 सितंबर को मैंने वो नोट दिया। राजीव जी ने जवाब दिया जिसकी प्रति मैं दिखाऊंगा, 21 सितंबर 1989 कि मैंने वो पत्र पढ़ा और तदनुसार काम होगा। फिर उन्होंने कहा कि बोलो उनको देवरा बाबा के पास जाओ। देवरा बाबा के पास तत्कालीन गृह मंत्री के साथ वो गए, उन्होंने भी निर्देश दिए। तब शीर्षचंद दीक्षित और अशोक सिंघल जी वहां मौजूद थे, शिलान्यास। फिर ये बात आई कि सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय करे या उभय पक्ष जो तय करे, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर दिया, हमने उसका स्वागत किया। फिर निमंत्रण पत्र स्वीकार करने की आवश्यकता कहां से आ गई? किसके दबाव और प्रभाव में आ गई? मैंने वो सारे दस्तावेज भेजे आगे,
कि मैं साक्षी रहा हूं, जब चित्रकूट में संत सम्मेलन हुआ, मैं विस्तार से नहीं जानना चाहूंगा, अगली मीटिंग करूंगा, अभी दस्तावेज आप देखना चाहें इसके बाद में दिखा दूं, क्योंकि आदरणीय शिवराज सिंह जी कृपा पूर्वक रुके हैं, इनको जाना है। बहुत बिजी शेड्यूल मुख्यमंत्री जी और शर्मा जी का है, इन्हें कट नहीं जाना। मैंने कहा कि ये सबकी आवश्यकता क्यों, हमारा देश धार्मिक प्रदेश देश, तो जो राजनीतिक निर्णय हो रहे थे, जो धार्मिक निर्णय हो रहे थे, वो उद्वेलित करने वाले हो रहे थे। रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जाके प्रीत न राम विदही तजिए ताई कोटि बैरिसम, यद्यपि परम सनेही, कोई कितना ही प्रिय क्यों ना हो, अगर वो राम जी का अनादर करे तो उसे छोड़ दो, तो मैंने कांग्रेस छोड़ दो। चौपाई को संशोधित कर दो, जाके पी न राम बैठे ही ताको वोट कदापि न दे। मैं ये कहना चाहता हूँ पंडित जी, अब तो स्थिति ये है, मैं बहुत शालीनता से बोलता हूँ लेकिन संकेत में बोलता हूँ, राग के ढेर पर न शोले है न अंगारे, रात के ढेर पर न चोले हैं न अंगारे हैं। कुछ तो बात होगी कि हम बेवफा हो गए। मन को चोटने वाली बात। और दूसरी बात, मुझे अपने जीवन में कभी पद और कद की लालसा नहीं रही, और मैं सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं, अभी भी मैं भगे शब्द के यहाँ आया हूं। मेरे को कोई पद लिप्सा नहीं है, और जब मुझे दिल्ली से पूछा गया कि क्या, मैंने कहा कोई चाहत नहीं है, बहुत मिल गए। एक चाहत हमारे यशस्वी तेजस्वी ओजस्वी और तपस्वी प्रधानमंत्री ने पूरी कर दी कि अयोध्या में भगवान श्री राम जी का मंदिर बनने जा रहा है। हमें गर्व है इस बात, उनके कार्यकाल पर उनकी उपलब्धियों पर मैं बाद में विस्तार से बात करूंगा, ये समय नहीं, लेकिन कुछ तो बात है कि जनादेश उनके पक्ष में हो रहा है। हुई है वही जो राम वही हो, इसलिए मैं विनम्रता पूर्वक सर झुका के आप सबका सम्मान करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से समय निकालकर हमारे इन साथियों को ऊर्जा प्रदान की, और हमें यह सौभाग्य मिल रहा है कि जिस पहले वाक्य से मैंने बात की थी कि मेरा लक्ष्य था राजनीति में प्रवेश का, कि मैं देश सेवा करूं, अब राष्ट्र सेवा की भी बात है और भगवान श्री राम जी के चरणों में अर्पित सेवा की विवाह। इन शब्दों के साथ मैं आप सब, खास तौर से जो हमारे पत्रकार साथी हैं, उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि उनका प्रारंभ से मुझे सहयोग मिला है। हमें अपने प्रदेश को, जिसके हम वासी हैं, उसे प्रगति और विकास के द्वार पर हमें आगे बढ़ाना है। देश मोदी जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करे, इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।